माय स्पार्कल स्टार्स, कैसे हो आप सब? फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ कि तुम सब कैसे हो। और अगर तुम इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या फिर इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो तुम्हें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना तो बनता है यार। तो मैं हूँ तुम्हारी प्यारी से लविंग दीदू एंड तुम्हारी मैथ्स एजुकेटर एंड तुम्हारी पार्ट टाइम मोटिवेटर, जो कि तुम्हें हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन आज तुम्हारी दीदू का जो मोटिवेशन लेवल था ना यार, वो थोड़ा सा डाउन हो गया। अब तुम पूछोगे क्यों? तो मेरे को यार बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि ना मेरे जितने भी भाई बहन जो इस वीडियो को देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो मेरे को डीमोटिवेट करते हैं। अब तुम बोलोगे डीमोटिवेट कैसे करते हैं? तो यार ना ही तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही तुम वीडियो को लाइक करते हो, ना ही तुम कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करते हो। तो इसकी वजह से जो मेरा मोटिवेशन लेवल था ना, वो थोड़ा सा डाउन हो गया। तो मैंने सोचा चलो यार कुछ मोटिवेशनल कोट्स ही पढ़ ली जाए। तो मैं जब मोटिवेशन कोट्स पढ़ रही थी तो मुझे एक जो कोट मिली वो बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे को लगा कि मेरे दिल को छू गई, और मेरे अंदर ना वापस से जो मोटिवेशन लेवल था ना, जो डाउन हुआ था, वो एकदम से अप हो गया। तो मैंने सोचा यार मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका भी तो मोटिवेशन लेवल डाउन होता होगा ना मेरी तरह, तो उनका मोटिवेशन कौन गेन करेगा? तो फिर मेरे को याद आया यार तुम्हारी मोटिवेशन की जिम्मेदारी तो तुम्हारी दीदू की है, मतलब मेरी है। तो मैंने क्या किया, एक मोटिवेशन कोट तुम्हारे लिए भी लिख के रखी है, तो उसको ध्यान से सुनना। पैरों से नहीं अब हौसलों और मेहनत से चलना है, कि पैरों से नहीं अब हौसलों और मेहनत से चलना है, जी जान लगा देंगे, जी जान लगा देंगे, क्योंकि हमने ठान लिया है मंजिल से मिलना है, मंजिल से मिलना है। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट 2, 4, -5, -1। इसे हमें क्या करना है, इवेल्यूएट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था ना कि कैसे हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इनको और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी हम डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उनके बीच में कौन सा साइन लगाते हैं, उनके बीच में हम लगाते हैं माइनस का साइन। और उसमें हम क्या करते थे, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हम जब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे तो उनके बीच में कौन सा साइन लगाते थे, प्लस का साइन। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, मैट्रिक्स में हम प्लस साइन लगाते थे, डिटर्मिनेंट्स में हम माइनस साइन लगाएंगे। आगे बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करो माइनस के 1 के साथ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होता है डेल्टा, मतलब डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल्स टू 2, 4, -5, -1। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 के साथ, तो 2 × -1, बीच में कौन सा साइन, माइनस का साइन। अब माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ में, तो -5 × 4, तो 2 × -1 हो जाएगा -2, माइनस का साइन एज इट इज़, माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 5 × 4 = 20, तो हो जाएगा -20, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर 20, ठीक है। अब 20 में से -2 करो तो हो जाएगा 18, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 18। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, डिटर्मिनेंट कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, हमें से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वही जैसे पहले किया था, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा के साथ में, तो कोस थीटा को कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बीच में क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब साइन थीटा को मल्टीप्लाई करो माइनस के साइन थीटा के साथ, तो साइन थीटा को जब हम माइनस के साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और वो प्रॉपर्टी क्या थी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, 1 लिख दूंगी, तो ये आ जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सो द सेकंड पार्ट हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, इसे भी हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में ये वाला एक्स प्लस 1, ठीक है। अब माइनस का साइन यहाँ पे एज इट इज लगा दो, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1। तो देखो हम क्या करेंगे,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा एक्स क्यूब। माइनस का यहाँ पे साइन एज इट इज़ लिख दो, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स मल्टीप्लाई होगा वन से तो हो जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, अब वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो वन इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, वन इंटू माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का एक्स, एंड वन इंटू वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का वन। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज़ लिख देंगे ये वाला। अब देखो ये किसकी तरह लग रहा है तुम्हें, ये लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले की तरह। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस में वन का स्क्वायर। एक्स हमने मान लिया ए और वन क्या है यहाँ पे बी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा था ना, तो यहाँ पर हम कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये है माइनस का एक्स स्क्वायर, ये है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ऐसे ये प्लस का एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस के एक्स के साथ। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा एक्स क्यूब, ये माइनस का साइन एज इट इज़। अब देखो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना, तो इसको क्या करो ब्रैकेट के अंदर लिखो। ठीक है, अब देखो ये माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये हमने लिख दिया माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का साइन इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर और वन का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर तो वन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में वन। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये वाला वन तो मैंने लिखा ही नहीं सॉरी, तो ये वाला वन तुम शायद यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये वाला वन इसको सॉल्व करने के बाद में ये वन आया था ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो क्या बचा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू, तो आ गया हमारा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो सेकेंड पार्ट था वो भी कम्प्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कम्प्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो चलो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें गिवन है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1242 देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसमें हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या है, इक्वल है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है, हमें a मैट्रिक्स गिवन है। अब तुम बोलोगे यार दीदू हमें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a गिवन ही नहीं है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे डिटर्मिनेंट। अब तुम बोलोगे इसको डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, तो देखो हम क्या करेंगे ना, इस ए के दोनों साइड में ना ऐसे बड़े बड़े डंडे खड़े कर दो, इसी को तो डिटर्मिनेंट बोलते हैं हम, यही तो है डिटर्मिनेंट ऑफ है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनाने का सिंपल सा तरीका है, अब क्या करेंगे दोनों साइडों में मोड लगाएंगे और बीच में इनको लिख देंगे, ये जो एलिमेंट्स है ना इनको एज इट इज़ लिख दो, ये बन गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, माइनस का साइन 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते टाइम हमेशा बीच में क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है, ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस की 8 में से हम 2 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, तो ये आ गया मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब मैं 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकती हूँ ना, यहाँ पर क्या है 4 मल्टीप्लाई में था डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ में, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में कर दो तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दो तुम माइनस के 6 के साथ, तो 4 को हम माइनस के 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 4 24, ये आ जाएगा माइनस का 24, तो ये आ गया मेरे पास 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे यार दी अभी तो आपने बताया है कि हम क्या कर सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे मैट्रिक्स को मैट्रिक्स निकालेंगे 2a की, 2a की मैट्रिक्स निकालने के बाद में उसको डिटर्मिनेंट बना देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो यार बहुत समझदार हो गए तुम मेरे साथ रह रहे के, है ना। तो अब देखो अब क्या करेंगे ना, हम इस मैट्रिक्स को बनाएंगे 2a। तो 2a कैसे बनाते थे हम, मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते थे सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, ये आ गया मेरे पास 2a। अब मुझे तो चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो,
फोर टू ज़ा एट एंड एट फोर ज़ा 32। देखो 8 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 32 होगा 32 में से 8 गए तो 24 और ये हो जाएगा माइनस का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या आ गया मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a आ गया मेरे पास माइनस का 24। और इधर देखो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आया था, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a भी तो माइनस 24 आया था। तो ये लो हो गया सॉल्व। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ पे लिख दो, हैंस प्रूव्ड। ये लो भाई हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व। तो ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना डिटर्मिनेंट, बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है यार। ट्वेल्थ क्लास के अंदर ना जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे ना वो भी सोच रहे होंगे कि इसको तो हमें सेकंड क्लास के बच्चों के लिए देना चाहिए था, ट्वेल्थ क्लास में क्यों दे दिया। तो बिल्कुल फ्री के नंबर है यार एकदम से, अगर तुम मेरी बात मानो ना तो तुम्हें क्या करना है, बस इसको ध्यान से पढ़ना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ना है। एंड जो इंट्रोडक्शन में तुम्हें बोलती हूँ ना, तो इंट्रोडक्शन अगर तुम देख लोगे तो और ज़्यादा सिंपल लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन देखना है, इंट्रोडक्शन देखने के बाद में फिर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें सिंपल बनाने के लिए तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन है पूरे चैप्टर का वो एक ही वीडियो के अंदर मर्ज कर दिया है, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, और जो उसका लिंक है मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो लो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में जो है एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह ही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है। उसमें क्या था, जो मैट्रिक्स थी वो 2x2 ऑर्डर की थी, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की दे दी, और थोड़े से जो है डिजिट थी वो बड़ी करके दे दी। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसको भी हम चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो करेंगे कैसे, पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, इसको तुम लिख दो पहले तो डिटर्मिनेंट के अंदर 101, 012 and 004, ठीक है, लिख दिया डिटर्मिनेंट के अंदर। अब देखो अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसे हमें कैसे एक्सपेंड करना है, कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है या रो के अलोंग एक्सपेंड करना है। तुम डिटर्मिनेंट को 3x3 ऑर्डर वाली जो मैट्रिक्स होती है ना, इसमें तुम डिटर्मिनेंट को किस भी तरह से जो है एक्सपेंड कर सकते हो। तुम चाहो तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, सेकंड के अलोंग एक्सपेंड कर दो, थर्ड के अलोंग एक्सपेंड कर दो, या फिर फर्स्ट रो के अलोंग या सेकेंड रो के अलोंग या थर्ड रो के अलोंग, तुम जैसे चाहो वैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगी ना, मैं थोड़ी सी दिमागदार इंसान हूँ, मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूँगी। ये हमारा कॉलम वन है ना, मैं इसके अलोंग एक्सपेंड करूँगी। अब तुम बोलोगे दीदू इसके अलोंग एक्सपेंड क्यों कर रहे हो, तो मैं इसके अलोंग एक्सपेंड इसलिए कर रही हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, दो जीरोज आ रही है ना, तो जीरो के साथ में अगर हमारी कोई भी चीज़ जो मल्टीप्लाई होगी वो तो जीरो हो जाएगी, तो जो कैलकुलेशन हो जाएगी ना वो थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। तुम कॉलम सेकंड के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हो क्योंकि इसमें भी दो जीरो ही आ रही है। तो देखो हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पहले तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम वन। यहाँ ये जो लाइन है ना तुम्हें लिखनी है, ताकि जो एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा ना उसको पता लग जाए किस बच्चे ने ना किसके अलोंग एक्सपेंड किया, नहीं तो बेचारा ढूंढता ही रह जाएगा कि किसके अलोंग किया है ना। तो देखो एक्सपेंड करने का तरीका, मैंने इसका भी जो है ये क्वेश्चन जो है तुम्हें एग्जाम्पल के रूप में जो हमारी कॉन्सेप्टवाइज वीडियो थी उसके अंदर मैंने तुम्हें दे दिया था, तो तुमने अगर वो नहीं देखी है तो उसको देख लेना। वैसे मैं यहाँ पर भी तुम्हें ये चीज़ तो बता ही दूंगी, ठीक है। तो देखो हम इसे कैसे करेंगे ना, कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे लिख लो, वन को मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्या करेंगे, इसकी जो रो है ये जो पार्ट और ये पार्ट इसको कट कर देंगे, मतलब इन एलिमेंट्स को हम नहीं लेंगे, बचा क्या हमारे पास 1 2 0 0। तो इसको क्या करो डिटर्मिनेंट के अंदर यहाँ पर ऐसे लिख दो 1 2 0, सॉरी यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे 4, ठीक है, लिख दिया। इसकी जो रो के एलिमेंट थे या और जिसकी कॉलम के एलिमेंट थे उनको नहीं लिखना है, जो बाकी के बचते हैं ना उनको लिखना है, ठीक है। अब मैं कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ, तो मेरे पास सेकंड एलिमेंट क्या है, जीरो है, हमेशा माइनस का साइन लिखना है इसके बीच में, ठीक है। माइनस का साइन मैंने लिख दिया, यहाँ पे जीरो लिख दो, ये वाला जीरो लिख दिया। अब क्या करना है, हमें इसकी रो को छोड़ना है और इसके कॉलम को छोड़ना है, ठीक है। ये मैंने रो को छोड़ दिया और ये कॉलम को छोड़ दिया, इन एलिमेंट्स को मुझे नहीं लिखना। तो इनके अलावा मेरे पास क्या एलिमेंट्स है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे फोर। तो इसको भी डिटर्मिनेंट के अंदर ऐसे लिख देंगे 0 1 0 4। ये ध्यान रखना है इसके रो और कॉलम के एलिमेंट है उनको बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस का साइन। अब तुम बोलोगे कि दीदू प्लस का साइन क्यों लगा, आपने तो बोला था हमेशा माइनस का साइन लगेगा। तो देखो ये हमारा कोई डिटर्मिनेंट है, मैं 3x3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट बता रही हूँ तुम्हें, तो यहाँ पर जो डिजिट आएगी उसके सामने प्लस का साइन लगेगा, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पे प्लस का लगेगा, और यहाँ पे माइनस का लगेगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस,
और ये कैसे लगता है ये मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर बता दिया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो तुम्हें मैं बोल रही हूँ यार वो जाके देख लो, क्योंकि उसके बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं यहाँ पर तुम्हें वो अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं करने वाली कि ये कैसे आया, ठीक है? बिना फालतू में टाइम वेस्ट होगा, जिन बच्चों ने देख लिया उनका भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? तो देखो ये वाला जीरो था ना, ये वाला है ना, तो यहाँ पे इसके लिए कौन सा साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है ना, इसलिए मैंने इसके बीच में क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। इस डिजिट को लिखने से पहले प्लस साइन लगा दिया, ठीक है? इस जीरो को यहाँ पर लिख देंगे और देखो, अब देखो इसकी रो को छोड़ देंगे और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 1 1 2। इसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दो, 0 1 1 2, ठीक है? ये हो गया काम। अब देखो इस वन को तो एज इट इज लिख दो, ठीक है? और इनको क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बन गया ना। इसको सॉल्व कैसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 4 × 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, और 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, है ना? तो इसको एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास कोई डिजिट आएगी, उस डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी 0 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में कोई डिजिट आएगी, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, है ना? तो 4 × 1 हो जाएगा हमारा 4, ठीक है? ये हमने निकाल लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद में क्या करना था, हमें निकालना था 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर दो 27 से। तो 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, 27 × 4। और 27 × 4 क्या होता है, 27 × 4 होता है, 27 × 4 ये हो जाएगा 108, ठीक है? तो 27 × 4 आ गया मेरे पास 108। तो यहाँ पर लिख दो 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 हम कैसे निकालेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ना इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगी, 3A वाली मैट्रिक्स आ जाएगी ना। उस मैट्रिक्स को हम चेंज कर देंगे डिटर्मिनेंट के अंदर, और उस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो चलो करते हैं। तो देखो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ 3A जो है निकाल लिया, ठीक है? मैंने क्या किया था, उस 3 को मल्टीप्लाई, मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया उस मैट्रिक्स के साथ में, उस मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये आया, ठीक है? तो इसको मैट्रिक्स ही मान लेते हैं पहले, कि ये है मेरी 3A वाली मैट्रिक्स, ठीक है? ये है मेरी 3A वाली मैट्रिक्स, ठीक है? मैंने क्या किया, उस 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने A मैट्रिक्स के साथ में, और ये मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही है क्योंकि हमने मैट्रिक्स वाली जो चैप्टर था उसके अंदर पढ़ा था, ठीक है? तो 3A वाली मैट्रिक्स तो तुम्हें समझ में आ गई ना। अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3A, और इसको बंद कर देंगे हम डिटर्मिनेंट के अंदर। सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 303 036 0012, ये हो गया मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ 3A। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे ना, इसको तुम किसी भी रो के अलोंग, किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने बोला था ना तुम किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, तो मैंने तुम्हें पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाया था, अब मैं तुम्हें रो के अलोंग एक्सपेंड करके दिखाती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन। पहले मैंने तुम्हें कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना दिखा दिया, अब हम रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है? तो देखो पहले मैं तुम्हें लिख के दे देती हूँ साइंस कैसे लगाने हैं हमें। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस माइनस प्लस। तो इसको तुम साइड में लिख भी लेना, अगर तुम्हें याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो तुम इसको साइड में लिख सकते हो, ठीक है? पहले प्लस साइन आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर नीचे की साइड में माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है? तो देखो हम क्या करेंगे, रोवन के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो रोवन कौन सी है हमारी, ये वाली, ठीक है? तो ये 3 एज इट इज़ आएगा, इसके रो के एलिमेंट्स एंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के हमारे पास क्या बचेगा, 3 6 0 12, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दो, ये 0 को यहाँ पर एज इट इज़ लिखो, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास इसके रो के एलिमेंट्स एंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बचेगा 0 6 0 12। हमेशा याद रखना है रो और कॉलम के एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है? यहाँ पर वापस से प्लस का 3 आ जाएगा, ये प्लस का साइन है, और ये वाला जो एलिमेंट है ये प्लस में लिखना है ना, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस का 3। इसके रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़कर हमारे पास बचेगा 0 3 0 0, ये रो के एलिमेंट्स और ये कॉलम के एलिमेंट्स, ठीक है? तो हमारे पास बचा 0 3 0 0, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 0 3 0 0। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 12 3 ज़ा होता है 36, तो जाएगा 36 माइनस में 6 × 0 0। अब माइनस का 0 × कुछ भी आए यहाँ पे, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसको लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 0। अब देखो यहाँ पे लिखो प्लस का
थ्री है ना, मल्टीप्लाई करो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है, माइनस थ्री इंटू ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो होता है, ज़ीरो इंटू थ्री ज़ीरो हो जाएगा, तो ये दोनों डिजिट्स क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा ना, हमारे पास बचेगा थ्री इंटू थर्टी सिक्स, ठीक है। तो थ्री इंटू थर्टी सिक्स कितना होता है, थ्री इंटू थर्टी सिक्स होता है हमारा 108, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a भी हमारे पास 108 आ गया, और 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a भी क्या आ गया हमारे पास 108 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट। तो यहाँ पे हैंस प्रूफ लिख दो, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। सो क्वेश्चन नंबर 5th में गिवन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, जो डिटर्मिनेंट्स हमें गिवन है ना इनको सॉल्व करना है। तो पहले भी हमने सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही सॉल्व किया था ना, 3 into 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट्स भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। मैं क्या करूँगी ना, इसको हम एक्सपेंड करेंगे कॉलम वन के अलोंग। कॉलम वन कौन सा है, ये वाला, ये है हमारा कॉलम वन, इसके अलोंग में क्या करूँगी, इसको एक्सपेंड करूँगी। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम वन, ठीक है। अब देखो कॉलम वन के लोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3, इसके रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के हमारे पास बचता है 0 माइनस 1, माइनस का 5 0, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 0, और इसके एलिमेंट्स लिख दो, इसके रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दो, हमारे पास बचेगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस का 5 0, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3, और ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि माइनस प्लस कैसे आता है ना। देखो प्लस का 3 आ जाएगा, इसके रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के हमारे पास बचेगा माइनस का 1, माइनस का 2, 0, माइनस 1, ठीक है। अब देखो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे तुम 3 एज इट इज़ लिख दो, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन। अब देखो माइनस का 5 इंटू माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 0 माइनस 5। अब माइनस का 0, यहाँ पर माइनस का जीरो ही आएगा, क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लाई करने पर जो भी आया उसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा ना, तो यहाँ पर तो जीरो आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तुम प्लस का 3 लिखो, माइनस का 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब माइनस का 2 इंटू 0 क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा यार। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर है माइनस का 5 और यहाँ पर है 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 3, तो माइनस के 15 में से प्लस 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस का 12, तो मेरा आंसर आ गया माइनस 12। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं जिनमें माइनस के एलिमेंट्स हैं ना, उनको बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि कई बार ना इनमें गलती हो जाती है माइनस प्लस की, और माइनस प्लस की गलती होगी जिसमें तुम्हारा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी पीजी है, बहुत ज़्यादा ईजी पीजी चैप्टर है यार, मैं बोलती हूँ मतलब इतना ईजी है ना कि तुम सोते सोते भी सॉल्व करोगे ना तब भी हो जाएगा, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, बस इसमें गलती क्या होती है, मैट्रिक्स वाले चैप्टर और इस चैप्टर में बस इतनी सी गलती होती है कि हम क्या करते हैं, माइनस की गलती कर देते हैं। मैंने भी अपनी 12th क्लास के जो बोर्ड्स देते हैं ना उसके अंदर मेरे भी मतलब एक दो क्वेश्चंस में माइनस की गलती मैंने बहुत ज़्यादा की हुई है। तो कैलकुलेशन हमेशा क्या करनी है, ध्यान से करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सॉल्व करने क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं रो वन के अलोंग, ठीक है। यहाँ पे लिख दो एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन। अच्छा, तुम्हें रिवीजन करने का एक बेस्ट तरीका बताऊँ, तुम्हें क्या करना है ना, मैं इसको रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ ना, तो तुम क्या करोगे, रो टू के अलोंग एक्सपेंड करोगे, ठीक है। अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में ना रो टू के अलोंग एक्सपेंड करना, ठीक है। तो देखो रो वन कौन सी है हमारी, रो वन ये है ना, इसको तुम लिख दो रो वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस का 3 मैंने लिख दिया, अब इसको छोड़ के, इसके रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये वाला 1, ये वाला माइनस 2, ये 3 और ये 1, ठीक है। अब देखो रो 1 है तो ये वाला एलिमेंट, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस, ऐसे होता है ना। तो देखो ये वाला एलिमेंट क्या होता है, माइनस का होता है, तो इस वाले एलिमेंट को मेरे को माइनस में लिखना है, तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगी और माइनस का 4 लिखूंगी, तो माइनस इंटू माइनस का 4 हो जाएगा ना, ऐसे मैं ये माइनस तो लिखूंगी सही, और इस माइनस के 4 को यहाँ पे लिखूंगी तो माइनस का 4, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, डायरेक्ट प्लस का 4 लिख दूंगी, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो यहाँ पे मैंने प्लस 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसकी कॉलम
और रो के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, मतलब ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स को छोड़ के हमारे पास बचेगा 1 -2 2 1। इसको यहाँ पे लिख दो डिटर्मिनेंट के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 -2 2 1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्लोज कर दिया। अब देखो ये वाला प्लस का होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, इसके रो और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 1 2 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 3 एज इट इज आ जाएगा, 1 into 1 1 हो जाएगा, 3 into -2, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। हमेशा डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन आता है ना, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब माइनस का 2 into 3 हो जाएगा माइनस का 6, तो माइनस का साइन इंटू माइनस का 6 हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्लस लिख रही हूँ और 6 लिख दिया। ठीक है, प्लस का 4 into में 1 into 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगी, फिर माइनस का 2 into 2 क्या होगा, माइनस का 4 होगा, तो वो माइनस और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस 5 लिख दो, 3 into 1 3, 2 into 1 माइनस का 2। ठीक है, अब देखो 6 + 1 7, 7 3 = 21। ठीक है, यहाँ पे लिखो प्लस 4 + 1 5, 5 4 = 20। ठीक है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, 5 into 1 हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 20 + 20 = 40, 45 and 46, ये हो जाएगा हमारे पास 46। तो सेकंड पार्ट भी जो है कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5th का मैंने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट यहाँ पे लिख दिया है, और इनको मैं सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन तो जो देख रहे हैं ना, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, वो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करेंगे, विदाउट चीटिंग के। किसी ने भी अगर कोई और वीडियोस में देख के सॉल्व किया ना, तो उसकी खैर नहीं है। ठीक है, तुम्हारी दीदी ना तुम पे गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है विदाउट किसी वीडियो को देखे हुए। ठीक है, और अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर भटकती आत्मा की तरह भटकना नहीं है, कॉमेंट सेक्शन में आकर पूछ लेना है। ठीक है, चाहे मुझे 2 वीडियोस क्यों नहीं बनाने पड़ जाए, मैं ऊपर तुम्हें बना के दूंगी, तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करके दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, अगर नहीं होते हैं तो तुम मुझसे आके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो यार ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इतनी देर से ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर करके ना मैं तो बोर हो गई हूँ, तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन भी आप ही कर लोगे, है ना। मैं मजाक कर रही हूँ, ये क्वेश्चन भाई दीदी तुम्हें सॉल्व करवाने वाली है, इतने ज़्यादा होमवर्क क्वेश्चन नहीं दे रही तुम्हें, टेंशन मत लो। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट बना के। ठीक है, इसको ये मैट्रिक्स का है ना, इनको चेंज कर देंगे हम डिटर्मिनेंट में, यहाँ पे डिटर्मिनेंट के साइन लगा दो, दोनों साइड में 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या तो तुम इसे रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो या फिर कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ पे मैं इसे एक्सपेंड करूँगी अलोंग कॉलम 1। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहले एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। मैं कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ, तुम्हें एक्सपेंड करना है रो 3 के अलोंग। ठीक है, रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करना एंड देखना कि यही आंसर आता है या फिर कुछ और आता है। ठीक है, ये मेरे को बताना है। ठीक है, देखो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ, तो कॉलम 1 कौन सा है, ये वाला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 एज इट इज़। इसके रो के एलिमेंट्स को और कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ दो, हमारे पास बचेगा 1 -3 4 -9। इसको डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिख देंगे। अब ये है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 कैसे आया ये भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ठीक है, तो इसके रो के एलिमेंट्स एंड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद में हमारे पास बचता है 1 -2 4 -9, फिर लिखेंगे प्लस का 5। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 1 -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 as it is, माइनस का 9 into 1 -9, बीच में माइनस का साइन रखना है, 4 into -3, तो 4 3 = 12, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 12, माइनस का 2 as it is, माइनस का 9 into 1, ये हो जाएगा माइनस का 9, यहाँ पे माइनस का साइन, 4 2 = 8, तो हो जाएगा माइनस का 8। प्लस का 5 as it is, 1 into -3, माइनस का 3, माइनस का साइन लगाएंगे, 1 into -2, हो जाएगा माइनस का 2। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
माइनस का 9 प्लस का 12, माइनस का 9 प्लस का 12 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा, माइनस का 9 प्लस का 12 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 8, माइनस का 9 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, ये बनेगा 1, माइनस का 2 इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये है माइनस का 3 और यहाँ पर है माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 3 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू 5 हो जाएगा माइनस का 5, तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा ना, देखो कैसे आया, माइनस का 9 प्लस का 8, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस ये वाला माइनस और वो वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 3 टू 5, यहाँ पर आ जाएगा 5, माइनस 5, 5 माइनस 5 कितना होता है, 0 होता है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 0। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इफ़, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ 2451 इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 4 6x, और ये दोनों क्या है, दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि दीदू ऐसे करो, 2 इज इक्वल टू 2x कर देंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, तो हमें x की वैल्यू निकाल लिया तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, अगर ऐसे करोगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो तुम्हारा जो मैट्रिक्स होता है और जो डिटर्मिनेंट होता है, इनको सॉल्व करने के तरीके ना थोड़े से अलग होता है। जैसे मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, मैट्रिक्स में अगर हम क्या करते, अगर यहाँ मैट्रिक्स होती तो हम क्या करते, 2x को इक्वल टू 2 कर देते, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों एलिमेंट्स सॉरी दोनों मैट्रिक्स क्या हो रही है, इक्वल हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं कि इनके एलिमेंट्स को भी इक्वल कर देते हैं और इक्वल करके उनका आंसर ले आते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स के अंदर ऐसे इक्वल्स हो नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद में हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, तो 2 × 1 हो जाएगा 2, माइनस का साइन लगाऊंगे, 5 × 4 हो जाएगा 20, ठीक है, तो 2 − 20 हो जाएगा माइनस का 18। इधर इक्वल की साइड में इधर आओ, 2x × x ये हो जाएगा 2x² माइनस का साइन, 6 × 4 = 24, तो हो जाएगा 2x² − 24। अब मैं क्या करूँगी ना, 2x² को एज इट इज रहना, तो माइनस के 24 को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, तो ये माइनस का इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 24। अब देखो 24 में से 18 गए तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 6, यहाँ पे आ गया 6, इधर आ जाएगा 2x², तो मैं यहाँ पे x² को एज इट इज लिख दूंगी, 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 2 को इधर लिख दिया, तो देखो 6/2 हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो x² की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा √3, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस 2/3। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर लेंगे, 5 × 2 = 10 माइनस में 4 × 3 = 12, ठीक है, इक्वल में 5x माइनस में 6x, ठीक है, तो 12 में से 10 जाएंगे तो ये बचेगा 2, और ये माइनस का साइन एज इट इज, अब 5x माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस का x, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू आ गया 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x · 18x इज इक्वल टू 6 × 18 = 6, देन एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है ना, तो पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो x × x हो जाएगा हमारा x², माइनस का साइन लगा दो, 18 × 2 हो जाएगा 36, इज इक्वल टू में आ जाएगा 6 × 6 होता है 36, और 18 × 2 कितना होता है, 18 × 2 होता है 36, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 36, तो x², इधर इक्वल का साइन लगाओ, 36 − 36 कितना होता है, 0 होता है ना, यहाँ पर आ जाएगा 0। अभी माइनस का 36 अगर मैं उस साइड भेजूँ तो क्या बन जाएगा, प्लस का 36 बन जाएगा, ठीक है, तो x² क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 + 36 = 36 होता है, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये स्क्वायर उस साइड जाके क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा, ये हो जाएगा √36। सो √36 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 6 की, तो यहाँ पर ये रूट है तो यहाँ पर लग जाएगा प्लस और माइनस, हमें नहीं पता ना कि ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, तो जब भी रूट हटता है क्या लग जाता है, प्लस माइनस, ठीक है,
तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर तुम्हारी एक्सरसाइज 4.1 का दी एंड हो गया। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। अब तुम बोलोगे दीदू 4.2 को क्यों छोड़ रहे हो, तो 4.2 को मैं छोड़ नहीं रही हूँ। 4.2 क्या है ना, तुम्हारे सिलेबस से कट हो चुकी है। तो जो भी क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उनको 4.2 पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।